नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बनेगी में। और आज हम आपको ले चलेंगे खास सफर में, जहां हम बात करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। आज हमारे साथ हैं बाबू भाई, जो पोल्ट्री फार्म पर कई वर्षों से काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनके एक्सपीरियंस और उनके सुझाव के बारे में। बाबू भाई से आपको, बाबू भाई हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने काम कब शुरू किया और जो है कैसे शुरू किया आपने। नमस्कार, द नेगी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप आज हमारे पोल्ट्री फार्म पर आए और आपने हमें इस योग्य समझा कि आप हमारा इंटरव्यू ले सकें। ये काम मैंने 2011 से स्टार्ट किया जी, और काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन के बाद ये काम कराया। सरकारी जॉब छोड़ने के बाद भी ये काम मैंने स्टार्ट किया। हाँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ 2011 से स्टार्ट किया जी। तो कैसे शुरू किया था आपने काम? रिश्ता मैंने शुरू किया था, मात्र 1000 चूजा चिक्स मेरे पास था और उससे मैंने शुरू किया था। और पहली बार में मुझे लॉस हुआ था तो काफी धक्का सा लगा था जब मुझे लॉस हुआ था। जी। कि आपको जो है इस क्षेत्र में कितने सालों का एक्सपीरियंस है और शुरुआत में जब आपने काम स्टार्ट किया तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? मुझे लगभग 13 साल इस फील्ड में हो गए हैं जी, और चुनौतियां कुछ खास नहीं होती। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास ये चुनौती थी जो मुझे सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ी। हाँ। कि मैं ब्राह्मण समाज से आता था, हर कोई मुझे कहता था कि आप इस गंदे काम को कर रहे हैं जो कि ब्राह्मण समाज वालों को शोभा नहीं देता जी। अच्छा। लेकिन आज वही लोग मेरे को जब कभी हेल्प मांगने आते हैं, चलो अच्छी बात है। हाँ। और मैं इस लाइन में अगर कर दूं, और आज वो लोग खुद मुझसे ये कहते हैं कि हम भी इस लाइन में आना चाहते हैं, कुछ हमें बताओ। हाँ। सुझाव दो। हाँ। तो आपको डाउन करने वाले बहुत मिलेंगे। हाँ। जो आपको इसके नेगेटिव थिंकिंग से आपको आपका मनोबल तोड़ेंगे। इन चुनौतियों का मुझे अक्सर सामना करना पड़ता था। ठीक, बाबा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपकी पोल्ट्री फार्म की क्या विशेषता है और पोल्ट्री फार्म में चिकन्स को रखने की क्या व्यवस्था आपके यहाँ पे, आवास की क्या व्यवस्था कर रखी है आपने? हमारी पोल्ट्री फार्म की विशेषता है, मैं अधिकतर ये जानना सुनता हूँ। हाँ। कि इतना हमने 3000 चिक्स डाला था, 500 मर गया, 600 मर गया, 400 मर गया। हाँ। तो आपको सुनकर बड़ा अजीब सा होगा, हमको 2% चिक्स मिलता है। हाँ, एक्स्ट्रा। हाँ। और कई बार क्या होता है कि वो भी नहीं मरता। अच्छा, वो भी हम बचा लेते हैं। और हाँ। कई बार क्या होता है कि 150 मर जाते हैं। हाँ। गर्मी ज्यादा, मतलब 1% भी नहीं आने देते। नहीं आने देते। तो ये हमारी लोग, आप मेहनत समझ लो या यहाँ का क्लाइमेट समझ लो। हाँ। कि हमको लॉस, मॉडलिटी से लॉस नहीं होता। हाँ। रेट से हो जाए थोड़ा, तो कार्बेट का भी हमें फर्क पड़ता। हाँ, ये चीज है, पानी भी हमारा है ना। यहाँ से पानी भी अच्छा हमारा, यहाँ से जो 2 क्विंटल मतलब एक्स्ट्रा 3 क्विंटल एक्स्ट्रा लेके चलता है, जो की पानी की वजह से। उत्तराखंड हमारे यहाँ से मात्र 400 मीटर पड़ता है। अभी भी आपको आवाज आ रही होगी, उत्तराखंड में बारिश पड़ रही है, तो वहाँ से जो मंद मंद हवा चलती है, ठंडी हवा, बिल्कुल वो हमारी पोल्ट्री को काफी बेनिफिट पहुंचा के जाती है। दूसरा बात, पानी आपने अधिकतर सुना होगा कि पोल्ट्री फार्म में बीमारी के कारण जो है कि लॉस हुआ। हमने आज तक कभी भी पानी साफ करने का कोई भी केमिकल नहीं लगाया किसी भी पोल्ट्री में। यहाँ पर 4 पोल्ट्री हमारी, मेरे बड़े भाई हैं जयदीप, 2 पोल्ट्री इनकी भी हैं, तो यहाँ पर हमने आज तक कभी भी सेफ गार्ड का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक। और तो नेचुरल तरीके से आप पाल, नेचुरल तरीके से बच्चा पालते हैं। और जो आपने आवाज की बताई तो ये भूसी बिछती है, बाकी कुछ खास नहीं है। हर बार आप जो है इसका जो लिटर होता है वो बाहर निकाल देते हैं? बिल्कुल, हर बार हम इसको बाहर निकालते हैं। और फ्रेश मिट्टी डालते हैं हर बार? फ्रेश मिट्टी तीसरी चौथी लाट में पड़ती है। अच्छा, ठीक, तीसरी चौथी लाट में फ्रेश मिट्टी हम लोग इसमें डालते हैं। भाई, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप फार्म के अंदर जो है स्वच्छता और स्वास्थ्य प्रबंधन कैसे करते हैं? स्वच्छता जो प्रबंधन है, सबसे पहले आप नीचे देखेंगे इसमें चूना पड़ा हुआ है, बिल्कुल, ये कई प्रकार के बैक्टीरिया को मारता है। फिर आप अपना कैमरा अगर अंदर घुमाए तो आप देखेंगे कहीं भी कीचड़ नहीं है, साफ कबूतर के जैसे बिल्कुल साफ है, और बच्चा एकदम स्वस्थ है। बिल्कुल, यदि इसकी साफ सफाई जैसे हम अपने रखते हैं, अपने बिस्तर की रखते हैं, वैसे इसके लेटने की जगह साफ रखेंगे तो संक्रमण बहुत कम आएगा जी। ना के समान ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। हाँ, आएगा। हाँ। लेकिन आप उसे बहुत कम दवाई लगा के कंट्रोल कर सकते हैं जी। ये ठीक। बाबू भाई, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाह रहा था जी, कि क्या कभी आपके फार्म में कोई बीमारी आई, कोई रोग आया, संक्रामक रोग जो आया हो, और आपने किस तरह से उसको फेस किया, कैसे रिजोल्व किया उसको? बीमारी आई है कभी शुरू में, जो क्या होता है हमको बीमारियों का पता नहीं चलता था। हाँ। बीमारी कौन, जब तक हम इधर उधर पूछते थे या किसी डॉक्टर, हमारा बहुत नुकसान हो जाता था। अच्छा। एक बीमारी आती है गंभीर, कुछ भी। हाँ। पता नहीं चलता, बच्चा पीछे पैर करके मरता है और नीचे ऐसे लेटा रह जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। आप एक बार घूमेंगे, 10 बच्चे निकालेंगे, 10 मिनट बैठेंगे, फिर घूमेंगे, 10 बच्चे फिर तैयार मर जाते हैं। हाँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या होता है कि गंभीर का एक बात है कि बच्चे के थाई पे एक खून जमे का निशान होता है।
थक्का सा बन जाता, थक्का सा बन जाता, वो गंबोर की सबसे बड़ी पहचान है। दूसरी क्या है, उसकी पीछे लैट्रिन के मल द्वार पे सफेद सा पानी रहता है, अच्छा, वो उसकी दूसरी पहचान है। ठीक। और अधिकतर बच्चा तड़प के मरता है। अच्छा। ये गंबोर वो सबसे खतरनाक बीमारी है। एक बीमारी के बारे में आपको और बता दूं, एक बीमारी है रानीखेत, किसी दुश्मन के पोल्ट्री फार्म पे ही होना है, मात्र एक दिन के अंदर पूरी पोल्ट्री खत्म। अच्छा जी। पूरा फार्म 3000 बच्चा एक दिन में ही खत्म, जितना होगा सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म, कोई नहीं बचेगा। रानीखेत बहुत खतरनाक। तो क्या क्या इलाज है इनका? गंबोर, गंबोरा जो बताया आपने, गंबोर के लिए काफी दवाई आती है। शुरू में तो नीला थोता लगा देते हैं, तो वो काफी हद तक रोकथाम कर देता है। हाँ। और इसके गंबोर रोग नाम से भी एक दवाई आती है। अच्छा। तो मार्केट में अब काफी सारी दवाइयां आ चुकी हैं। और जो वो बता रहे हैं आप रानीखेत, रानीखेत, रानीखेत के लिए भी काफी सारी दवाई आई है। रानीखेत को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले बच्चे को लैब में लेके जाना पड़ेगा, हम उसकी पहचान नहीं पड़ पाती जल्दी से किसी को भी। अच्छा। तो इसमें कई प्रकार के संक्रमण होते हैं, जो कुछ तो हम जान ले देख के, इनकी भीड़ देख के पहचान लेते हैं, लेकिन कुछ हमारे भी समझ में नहीं आते। एक कहावत है कि प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। मतलब अगर बीमारी आने के बाद आप इलाज करोगे तो उससे बेहतर यह है कि आप पहले उसका जो है इलाज कर लें, उसकी रोकथाम या उसका कुछ बचाव करके रखें। तो उसका बचाव आप बहुत बढ़िया कह रहे हैं, आपने जो बात बताई, उसका बचाव यह है कि आपको स्वच्छता रखनी होगी फार्म के अंदर, और साफ सफाई। कोई भी अन्य व्यक्ति जो पोल्ट्री से संबंधित हो वो आके आके फार्म में ना घुसे। ठीक भाई, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या कोई आप विशेष तरह की जो है फीड इस्तेमाल करते हैं या दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनकी हेल्थ में और मतलब इंक्रीज होता है, बच्चा हेल्दी होता है और वजन में ग्रोथ लेता है? हाँ, ऐसा है कि अच्छी क्वालिटी का फीड हो किसी भी कंपनी का, मैं किसी कंपनी का अगर देख मैं फीड है तो इधर ही रखा हुआ है, फीड इधर रखा हुआ है, रखा हुआ एक बार बच्चा देख लें। बिल्कुल, आइए अब बच्चे देखते हैं। तो ये मेरे ख्याल से फार्म आपका खाली हो चुका है, बिक चुका, कुछ माल बचा हुआ है। हाँ, तो क्या है बाबू भाई वो बता रहे थे आप, फीड अच्छी क्वालिटी का आपको फीड खिलाना होगा। हाँ, ठीक ठीक है। मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं, किसी का नाम लेके तो उस कंपनी का प्रचार होगा। हाँ, तो अच्छी क्वालिटी का आप फीड खिलाए, अच्छे प्रकार के मेडिसिन दे। ठीक। मेडिसिन भी कई प्रकार के हैं। हाँ, मैं एक दो मेडिसिन का नाम ले लेता हूँ। हाँ, मार्केट में कई प्रकार का लीवर है। हाँ, लेकिन ब्रूटोन का तोड़ अभी तक किसी के पास नहीं आया। ब्रूटोन से अच्छी दवाई है, ब्रूटोन से अच्छा लीवर कोई दूसरा है नहीं मार्केट में। यदि कोई हो तो मुझे बताए। हाँ, कि इससे बेटर कुछ है। हाँ, ब्रूटोन महंगा जरूर है, मान ले कि आती है, जो आती बहुत सारी है। हाँ, लेकिन ब्रूटोन हमें सबसे बेटर लगा लीवर के मामले में, क्योंकि पोल्ट्री की लीवर 52 भी आ रही है, लीवर हिमालय की आती है, लेकिन इतनी असरदार नहीं है जितनी ब्रूटोन है। जितनी ब्रूटोन है, ब्रूटोन से बच्चे के वेट में फर्क पड़ता है, प्लस बच्चा ज्यादा खाता है, भूख ज्यादा लगती है, पाचन क्रिया बहुत अच्छी होती है ब्रूटोन से। अच्छा। और आप देखेंगे उसके पैर मजबूत होते हैं, जब पैर मजबूत होगा तो बच्चा स्वस्थ रहेगा, प्लस मोटे होते हैं। अभी ये हमारा 45 दिन का बच्चा है, लगभग 3-3.5 किलो में थोड़ा सा बचा हुआ है, किसी की डिमांड पर रोका। ये फार्म खाली होगा तो ये बचा हुआ है, बस में नया चीक्स आने वाला है जी, ये किसी की डिमांड में जाएगा किसी के। मेन ये आप कहना चाह रहे हो कि लीवर टॉनिक हमें देना चाहिए ताकि लीवर ठीक रहे, उसमें चिक्स का, जिससे वो अच्छा दाना उठाएगा तो अच्छा वेट, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा वेट देगा। लीवर टॉनिक सबसे बेस्ट, लीवर ठीक रहेगा तो दाना से, बिल्कुल लीवर से ही सब कुछ है। अच्छा, सारा अंदर उसका फीड भी अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की खिलाए, किसी का नाम फीड का नाम लेना ठीक नहीं, दूसरों को मायूसी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी दूसरी कंपनी, काफी प्रकार की फीड है। बाबू भाई मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था आपसे जी, पूछिए कि पोल्ट्री फार्म में जो तकनीकी जो उन्नति आ रही है आज की डेट में, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उससे हमारे व्यवसाय पर कोई फर्क पड़ा इससे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने जी, ये बिल्कुल क्रांतिकारी तकनीकी है और हमारी इसमें मेहनत भी कम हो रही है। पहले आप देखते थे कि फिल्टर में हाथ से पानी भरा जाता था, तो उसमें लेबर भी काफी परेशान होती थी और हम भी परेशान होते थे। लेकिन अभी 2-3 तकनीक आ गई, एक तो चरखी वाली तकनीक आ गई, निप्पल वाली, तो उसमें आपको कॉलर भी, बच्चे का डिब्बा भी साफ नहीं करना, चूजा अपना जितना पानी पीना होगा निप्पल से चूस के पी लेता है। दूसरा ये फिल्टर वाला सिस्टम आ गया है, डिब्बे वाला, जितना पानी चौंक में भरेगा उतना पिएगा। अच्छा, तो इससे हमारा काम आधा हो गया है। पहले हमें थोड़ा सा, जब हम दाएं बाएं खेत में और काम करने जाते थे, यार डिब्बे खाली तो नहीं हो गए होंगे, तो तुरंत हमें पोल्ट्री में भाग के आना पड़ता था। अच्छा। अब अगर हम पूरा दिन भी बाहर रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं, हमारा ऑटोमेटिक चल रहा है। ये बहुत ही क्रांतिकारी सुविधा है पोल्ट्री फार्म। और जैसे अभी फीड का भी आ गया कि फीड का भी ऐसा हो गया कि ऑटोमेटिक फीड आपके डिब्बों में पड़ने लगे, लेकिन क्या है कि वो बड़े बड़े है जो कंपनी के हैं वो लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप और हमारे जैसे जो फील्ड में कम इस्तेमाल हो रहा है, जैसे 10,000-15,000 बिजली होने के आवश्यक है। हाँ, बिजली से बिजली 24 घंटे चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके 12 घंटे बिजली नहीं रही
तो बच्चा भूखा रहे। जैसे वो बड़े फार्म में तो चाहिए, जैसे 20,000 का फार्म है या कोई, बिल्कुल बिल्कुल वो लोग कर रहे हैं इस काम को। हाँ। जो बड़े फार्म में दाना एक जगह लोड कर दिया और वो और उनका यदि किसी वजह से बिजली भाग भी जाती है। हाँ। तो उनको 100 ऊर्जा के प्लांट लगे हुए प्लस जनरेटर लगे हुए। भाई मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, मतलब आप इसी लाइन को आगे बड़ा करने की सोच रहे हैं, फार्म को बड़ा करने की सोच रहे हैं, या कुछ और बिजनेस भी आप ट्राई करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, क्या प्लानिंग है आपकी? बिजनेस तो काफी सारे मेरे दिमाग में है, लेकिन मेरा जो सबसे मेन बिजनेस है वो इसी पे फोकस रहेगा। और अभी लगभग मेरे पास 24 से 25 हज़ार की पोल्ट्री स्टैम बिल्कुल मौजूद है, और ईश्वर की कृपा रही, आप जैसे दोस्तों का प्यार मिलता रहा। हाँ। तो हो सकता मैं अगले साल 2025 में लगभग 40-45 हज़ार तक पहुंच जाऊंगा अपनी पर्सनल पोल्ट्री की। 40 से 45 हज़ार चिक्स की पोल्ट्री बना लेंगे पर मंथ की, इतनी मेरी वो पहुंच जाएगी। आज मेरे अंडर में 4 लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में मेरे पास 10 लोग काम करें। जी मैं खुद भी अपना व्यवसाय बढ़ा रहा हूँ। लगभग अभी आप 6 फार्म के आसपास देख रहे हैं अभी? जी बिल्कुल 6 फार्म मेरे पास हैं अभी। जी ठीक। बाबा भाई मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर कोई नया आदमी इस लाइन में आना चाहता है जी, तो उसके लिए आपके क्या सुझाव हैं? बिल्कुल, और उनको जो है स्टार्ट कैसे करना चाहिए? यदि कोई भी नया आदमी यहाँ पर आना चाहता हो, पोल्ट्री फार्म का काम करना चाहता हो, तो मैं उसको ये कहना चाहता हूँ वो मेरे पास आके संपर्क कर सकता है, मेरा नंबर ले सकता है, उसको खाना फ्री रहना फ्री जी, और मेरे से काम सीख सकता है। बस मैं उसे फिलहाल सैलरी नहीं दूंगा। हाँ। तो सारा काम मैं खुद सिखा सकूंगा, जैसे अपना छोटा भाई हो। हाँ। से सिखा दूंगा। हाँ जी, कोई भी हो मेरा, खास करके अगर मेरे अपने इलाके का हो तो आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए, अगर कोई आपको सीखना चाहता है तो मैं अपना मेरा नंबर ले लीजिए 97-60-73-54-98। ठीक है, 97-60-73-54-98। अगर कोई दूर दराज से आना आ रहा है तो आप रिहाइश भी उसे दे देंगे? खाना पीना चारपाई मच्छरदानी सब हो जाएगा, साबुन कच्छा सब सब हो जाएगा, मिलेगा। ठीक है बाबा, मेरा सब एक सवाल आपसे और ये था जी कि जैसे हैचरी का काम किया जाए। बहुत अच्छा सवाल। तो हैचरी का काम देसी का किया जाए या बॉयलर का किया जाए? जी देसी का इतना स्कोप नहीं है, आप देखते हैं कि देसी मार्केट में बिकता भी बहुत कम है, अगर हम पाल लें तो हमें बेचना बड़ा भारी पड़ जाता है। हाँ। तो बॉयलर का किया जाए तो काफी बेहतर है। तो मैंने भी पीछे कोशिश करी थी तो लगभग उसमें 2 करोड़ रुपए का खर्चा था, तो मेरे को फाइनेंशियल मिल गया था, एक मेरा ही भाई है कर्जन है, उसने का फाइनेंस मैं कर दूंगा। परंतु मुझे समस्या ये हुई कि हमारे यहाँ पर बिजली नहीं है। अच्छा, इसको 24 घंटे बिजली चाहिए। मैं हमारे यहाँ पे मात्र 5 से 8 घंटे बिजली आती है, उसमें भी अगर मौसम खराब हो जाए तो 1 हफ्ते तक नहीं आ पाती। बिल्कुल तो उसमें मेरा चीज काफी अंडा खराब होगा। बिल्कुल तो मैं इसलिए थोड़ा, लेकिन मैंने पैसे की व्यवस्था भी कर ली थी, लगभग जमीन की व्यवस्था भी हो गई थी, लेकिन बस मैं बिजली की वजह से मार खाया। अगर भविष्य में लगभग कितनी बड़ी हैचरी के लिए कितनी जमीन चाहिए होगी? 1 एकड़ जमीन में चाहिए। हाँ। लगभग उसमें 1.25 लाख चीक्स की हैची लग सकती है। बिल्कुल लग सकती है, 5 बीघे जमीन चाहिए। ठीक, और कितना कंजप्शन चाहिए लाइट का, कितना वोल्टेज? वोल्टेज लगभग 250 वोल्टेज चाहिए मशीन को, बच्चे को हैच करने के लिए जी। और 22 घंटे बिजली चाहिए, 24 से 22 घंटे 24 से 22 घंटे बिजली जी। मैं पशुपति से भी संपर्क किया था, पशुपति हेचरी है। हाँ। तो उन्होंने मुझे सब चीज बताया, ये अपना जसपुर में भाई जिसके मालिक है अवनीश जी, जो इसके मालिक हैं। हाँ जी, हाँ। तो बस उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि आपके यदि बिजली नहीं है तो आप इसमें अपना पैसा डुबा देंगे, तो बस मैं वहीं से ही थोड़ा पीछे हट गया क्योंकि जनरेटर का इतना तेल हम नहीं फूक पाएंगे, फिर मार्जिन नहीं मिल पाएगा, मार्जिन नहीं मिल पाएगा क्योंकि मार्केट में कंपटीशन भी है, फिर वो कंपटीशन फेस। और इस टाइम सबसे ज्यादा पैसा चीक्स मालिक कमा रहे हैं जी, इस लाइन लाखों करोड़ों रुपए के हिसाब से मंथली कमाया जा रहा है। ठीक ठीक, बहुत बड़ा आप, मैं बोल सकता हूँ स्कैम भी है इसमें। अच्छा बिल्कुल, मैं भाव भाई से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि इस लाइन में आपकी कुछ अच्छी यादें भी होंगी तो कुछ बुरी यादें भी होंगी। जी बिल्कुल, कुछ एक्सपीरियंस ऐसा कुछ आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाह रहे हैं अपने? जी मैं बताना चाहता हूँ, जब फर्स्ट टाइम मैंने एक काम किया था तो मुझे लॉस हुआ। हाँ। तो मेरा अपना भाई भी मेरा साथ छोड़ के चला गया। अच्छा। मेरा पार्टनर था। अच्छा। और पार्टनर भी ऐसा था कि अगर लॉस होगा तो मैं भरूंगा और बेनिफिट होगा तो आप आधा लेंगे। अच्छा, लॉस में नहीं होगा हुआ था वो, लॉस नहीं भरेगा। अच्छा, वो छोड़ के भाग गया। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसके साथ कर्ण जैसा मित्र हो उसको डरने की जरूरत नहीं। मेरा एक दोस्त है दिलसाद, उसने उस टाइम जबकि वो कतर में था उसने मेरी बहुत अच्छी हेल्प करी। अच्छा। और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ उसमें मेरे दोस्त दिलसाद का बहुत बड़ा हाथ है। मैं ईश्वर से यही वो उसके लिए प्रार्थना करूंगा कि भगवान उसे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, उस बुरे वक्त में उसने मेरा साथ दिया और आज अच्छा वक्त है तो आज तो सभी मेरे साथ हैं। मेरे आज भाई का साथ दे रहे हैं? बिल्कुल भाई मेरे बड़े भाई हैं। हाँ। तो हम दोनों छोटा बड़ा भाई, किसी को कभी वो मुझे अगर कुछ कमी लगती है तो वो मुझे बता देते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसा होना है। हाँ, और कभी मैं उनके उसमें देखता हूँ
फार्म के अंदर, तो फिर मैं उनको बताया तो ऐसा नहीं ऐसा होना है, तो दोनों बैठ के विचार विमर्श करके उस काम को हल निकाल लेते हैं। ठीक। और कभी जैसे लॉस का हो सकता आगे तो एक दूसरे को बोल देते हैं कि अभी चेक्स नहीं डालना। जैसे आप देख रहे फार्म खाली है, एक्सपीरियंस है ये फार्म खाली, तो अभी इसमें हमारे पास चेक्स होता तो ये कनागत में नवरात्रों में तैयार होता, तो हमारे अभी 2-3 फार्म खाली इसीलिए है कि खाली बैठ जाएंगे पर लॉस नहीं उठाएंगे, लॉस नहीं उठाएंगे। जी ठीक। मैं बाबू भाई से पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो है पॉलिटिक के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, किस बीमारी में कौन कौन सी मेडिसिन यूज कर रहे हैं? जी, मेडिसिन तो काफी सारी होती है। हाँ। लेकिन यूज कम होती है, लेकिन रखते हम अपने पास सब है क्योंकि हमें मार्केट दूर पड़ती है। हाँ। और इतने में पोल्ट्री में काफी नुकसान हो जाता जी। है। मैं भी आपको आपके कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा हमारी मेडिसिन की तरफ डाले नजर जी। तो सबसे पहले हमारे पास ये ग्रोविप्लेक्स है जी, ये किसी बीमारी में काम नहीं करती, ये बच्चे को क्या नाम गर्मी से बचाती है, जिससे बच्चा गर्मी से इसे पीने के बाद पानी ज्यादा पीता उसे गर्मी कम लगती है जी और बच्चा स्वस्थ रहता है। ठीक। दूसरे में आ जाते हैं हमारे पास ये क्लोरीवेट सी। हाँ। ये बच्चे में इकोलाई आने से बचाता है, बीमारी आने से, बीमारी इकोलाई जब आ जाती है कर लेगा उसको पहले, अगर इकोलाई आ भी गई है। हाँ। तो अगर आप इसको पिलाएंगे तो बच्चा स्वस्थ हो जाता है बहुत जल्दी। ये हमारे पास सिंकारा है, ये गर्मी में बहुत असरदार है, आदमी भी पीते हैं। हाँ, ये आयुर्वेदिक के साथ नुकसान नहीं। हाँ जी, हाँ जी, और यदि मॉडल्टी हो रही है, यदि आप इसको पिलाएंगे तो आपकी मॉडल्टी एकदम रुक जाती है। ठीक है। दूसरे बात हमारे पास आता है विमराल, ये बहुत ही अच्छी दवाई है जी। ये बच्चे को शुरू दिन से हम दे सकते हैं, गुड़ के पानी के बाद लगा सकते हैं। अच्छा। ये बच्चे को कई विटामिन है इसके अंदर जी। और बच्चे को मजबूती देता है। ठीक। और विटामिन सोर्स पूरा करता है, बिल्कुल बच्चे का जो क्या नाम स्वास्थ्य का जो चक्र होता है। हाँ। ये उसको मजबूत करता है किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए, बच्चे को ये तैयार करता है। अब आ जाता है हमारे पास अगला सल्मानेक्स जी, ये भी बहुत अच्छी दवाई है जी। ये मैं पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ। हाँ। और काफी कॉस्टली भी है, लगभग 5 लीटर जो है 47-48 की पड़ती है, लेकिन हम इसे रखते हैं। अच्छा। ये बच्चे को शुरू से ग्रोथ देता है। हाँ। यदि आपके फार्म में बच्चा 40 दिन में तैयार हो रहा है, यदि आप इसे यूज करेंगे। हाँ। तो बच्चा आपका 37-38 दिन तैयार होगा, 2 दिन का आपका फिट बचाएगा। ठीक। और बच्चे को मजबूती मिलेगी, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसके। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे आ जाता है आपका नेफ्रो RX जी, ये बच्चे में पानी के गाउट के लिए होता है, अगर आप सिर्फ बिना बीमारी कभी पिलाएं। हाँ। तो बच्चा आने वाली बीमारी से पहले ही बचा रहता है, बचा रहता है। आपने देखा होगा कई बार बच्चा सूख सा जाता है और क्या नाम, आप बीमारी आने के बाद दवाई देने से बढ़िया है ज्यादा बड़ी मात्रा में ना दे, थोड़ा थोड़ा से देते रहे बिना बीमारी के भी। तो दूसरा मैं आपसे थोड़े पहले कह रहा, ब्रूटॉन का जिगर, ये वही ब्रूटॉन है जी, और काफी अच्छा लीवर है। लीवर ऐसे नहीं कि मुर्गियों को ही, आप भेड़ बकरी कुत्ता किसी भी जानवर को। हाँ। पालतू जानवर को पिला सकते हैं जी। और ये हमारे पास आ गया एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम अधिकतर ठंडियों में इस्तेमाल होता है। हाँ। और ये इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा मैंने, कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा पर्दा नीचे कर देते हैं या बच्चों को हवा लग जाती है तो थिक थिक की एक बीमारी आती है। हाँ। वही बीमारी अगर 5-7 दिन रह जाए तो वो इकोलाई CRD में बदल जाती है जी, तो ये फिक फिक को रोकता है। ठीक। मैं सारे फार्मर भाइयों को बताना चाहता हूँ, एल्युमिनियम बहुत अच्छी दवाई है, आपके फार्म में बीमारी आए ना से अपने पास रखे हैं, जो फिक फिक से आपको ये 1-2 लीटर में भी आती इस है, इस तरह समस्या खत्म हो जाएगी। इसे स्प्रे नहीं करना होता, इसे पिलाना होता, पिलाना है। जी जी ठीक। उसके बाद आ जाती है बिरकोनेस, डॉक्टर कहते हैं कि इससे सिर्फ बर्तन धुलते हैं। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे बर्तन धुलते हैं, वायरल के लिए होता है, आप इसमें फार्म में छिड़काव भी कर सकते हैं। अच्छा। प्लस इसके 2 चम्मच मान लो आपके पास 1500 चीक्स है, उसमें चम्मच दिया होता है, इससे 2 चम्मच स्वस्थ बच्चे को आप घोल के पानी में पिला सकते हैं। ठीक। 4-8 घंटे के पानी में आप बच्चे को दे सकते हैं, आने वाली बीमारी पहले ही दूर हो जाएगी। ठीक। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेडिसिन काफी प्रकार की हैं। हाँ। लेकिन रखो अपने पास, लेकिन जबरदस्ती देने की जरूरत नहीं, कुछ मेडिसिन ऐसी जिन्हें आप लगातार दे सकते हैं बिना बीमारी के भी, जैसे ब्रूटोन हो गया, नेफ्रो RX हो गया, विमराल हो गया, सिंकारा हो गया, ग्रोविप्लेक्स हो गया। तो जो हार्ट अटैक आता है चिकन को, उसमें कौन सी देते हैं आप? देखो हार्ट अटैक का तो एक समस्या, हार्ट अटैक तो आदमी को भी कोई दवाई अभी तक बनी नहीं कि हम पहले इसको दे दें। हाँ। तो चीक्स है। हाँ। आपके सबसे हार्ट अटैक का सबसे मेन कारण होता है, अधिकतर आपने देखा होगा कि जो बड़ा मुर्गा होता है उसको बच्चा उल्टा होकर मरता है। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी ऐसा ना करें कि दाना, फार्मर क्या करते हैं कि मुर्गा बिकना है तो उस दिन क्या करते हैं कि दाना सारा दिन हटा के रखकर एकदम से दाना लगा देते हैं। हाँ। मुर्गा हमेशा बेसबरा होता है, वो मुर्गियों को दाने पे नहीं लगने देता, एकदम खाता है। हाँ। और कोई हार्ट अटैक नहीं होता। अच्छा। उसकी आहार नली में दाना फंस जाता है। अच्छा। जिससे कि वो सांस नहीं ले पाता और वो अधिकतर मरता है। 10% के बच्चे को हार्ट अटैक होता है और 90% बच्चा ज्यादा आहार करने के बाद मरता है। अच्छा। उसके नली में फंस जाता है, नली में सांस लेने की जगह नहीं बचती। बहुत अच्छी नॉलेज दी आपने। यह
तो दाना जो है प्रॉपर इसका यही है कि दाना आपको टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं, दाना हर समय बर्तन में प्रॉपर लगा होना, प्रॉपर लगा होना चाहिए। यदि गर्मी ज्यादा हो रही है तो किसी हाइट से दाने को उठा दो कि बच्चा ज्यादा ना खा पाए, हल्की फुल्की चोंच मार ले लेकिन ज्यादा ना खा पाए। ठीक 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 जी ठीक। दोस्तों आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आज हमने बाबू भाई से बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।